नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जिले के अररिया आरएसओपी क्षेत्र के एक मोहल्ले में सोमवार की शाम 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की वारदात सामने आई है। इस तरह का जघन्य अपराध करने वाला कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्ची का मौसेरा भाई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं मासूम बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अररिया आरएसओपी क्षेत्र के रहिकपुर वार्ड नंबर 2 की 3 साल की मासूम बच्ची सोमवार की शाम अपने घर में बड़ी बहन के साथ अकेली थी। बताया गया कि पीड़ित बच्ची के पिता बाहर कमाने गए हैं, जबकि बच्ची की मां मजदूरी करने खेत में गई थी। इसी बीच अपने मौसी के घर घूमने आए रुपेली गांव के 18 वर्षीय युवक अब्दुल्ला उर्फ रहमानी ने किसी बहाने बुलाकर रसोई घर में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी बड़ी बहन ने हल्ला किया तो परिवार के अन्य सदस्य व अगल बगल के लोग भी आए। इसके बाद आरोपी युवक को पकड़ लिया और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। घटना के बाद पीड़ित बच्ची के परिजन अररिया आरएसओपी पहुंचकर मामले की जानकारी दी। इस मामले में मासूम बच्ची की मां ने महिला थाने में आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थानेदार मेनका रानी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया गया है। मामला ये है, वो रिश्तेदार है, हम लोग का रिश्तेदार अपने यहाँ आया, यहाँ पर रिश्तेदारी करने के लिए। उसके बाद आया कि आने के बाद फिर अपना देखा देखा सुना कोई नहीं है। हमारा भतीजी वहीं पर 3 साल की लड़की थी, वो बच्ची वहीं खड़ी थी। उसके बाद वो आया, देखा कि कोई नहीं है। उसके बाद वो लेके चला गया घर, दूसरे घर लेके गया। उसके बाद वहाँ गंदा काम किया, वो जो करना हुआ करे। उसके बाद फिर आया कोई देखने के लिए तो रोने लगा बच्चा, आया देखने के लिए तो रंगे हाथों उसको पकड़ लिया और हम लोग उसको पकड़ के। कहाँ का लड़का है, क्या नाम है? लड़का का नाम है रहमानी, रुपेली घर है, वार्ड नंबर 6 है, पोखरिया बस्ती में। मामला सच्चाई है और पीड़ित पक्ष जो है कल आरएस थाना ओपी और उसके बाद महिला थाना में हमारे संज्ञान में आया, तो तत्क्षण उसको महिला थाना में भेजा गया और भेज के उसकी मेडिकल की प्रक्रिया की गई है। और लड़की 3 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची है उसके साथ। हालांकि उसके रिश्तेदार भी है, डिस्टेंस रिश्तेदार में है, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। लड़का जो किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल वेडिकल करवा के और इसको गिरफ्तार किया गया, इसको जेल भेजेंगे और इसके साथ ही इसको जो हम लोग स्पीडी ट्रायल में करके इसको जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे। अब अररिया के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अररिया में अब आ गए हैं दक्षिण भारत से कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर आबिद। इन्होंने आंध्र प्रदेश के जीएसएल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से एमडी किया, फिर विशाखापट्टनम आंध्रा मेडिकल कॉलेज से एमएसआई किया। इनको अपोलो हॉस्पिटल व हिंदूराव हॉस्पिटल नई दिल्ली में काम करने का भी अनुभव है, तो आज ही संपर्क करें। क्लिनिक का पता है हॉस्पिटल रोड, नाज गैलेक्सी मॉल के बगल में, गैयारी कॉम्प्लेक्स, अररिया। मोबाइल नंबर 8885692498। दूसरा नंबर है 8919439621।